इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्टिकुलरली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को लेकर के। सीजीएल 2024 का फॉर्म जो है उसका डेट बढ़ा दिया गया है, 27 लास्ट डेट कर दी गई है। तो इस वीडियो के अंदर जो हम पॉइंट्स कवर करेंगे उसमें ये है पहला पॉइंट कि अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो सर्टिफिकेट कब आपको देना होता है। एक पर्टिकुलर सेक्शन है पीडब्ल्यूडी का जिसको कोई कवर नहीं करता, और एक्स सर्विसमैन, ये दो सेक्शन बहुत परेशान रहते हैं हर बार, चाहे पोस्ट प्रेफरेंस हो चाहे अपने जनरल क्वेरीज हो। इस वीडियो के अंदर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने तरह के आपके डाउट हैं आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूँ। और जो लोग भी पीडब्ल्यूडी से सुन रहे हैं, अगर आपका ग्रुप अगर कोई हो या फिर ऐसा कुछ आपने बना रखा होगा, इस वीडियो को ज़रूर वहाँ पर शेयर करिएगा। अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है तो क्या आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कई लोगों के मैसेज रहते हैं, पिछले साल पोस्ट प्रेफरेंस में ऐसे बहुत सारे कॉल्स आए जो कैंडिडेट परेशान थे कि मेरी 40% से कम है तो क्या मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है या नहीं है। स्क्राइब को लेकर रहता है कि सर मैं स्क्राइब ले जाना चाहता हूँ, मैं पीडब्ल्यूडी के अंदर आता हूँ, क्या मैं स्क्राइब ले जा सकता हूँ, क्या क्राइटेरिया, वो जानते हैं। और लास्ट डेट बढ़ गई है तो जो लोग अभी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर परेशान हैं, अगर आपका बन जाता है कट ऑफ डेट से पहले तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यार, अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी सुन रहे हो, जो लोग भी हैं, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं खासकर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, या फिर आपके जो जनरल क्वेरी हैं बहुत लंबे लंबे कमेंट सेक्शन में, तो मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ खासकर यूट्यूब के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ट्विटर पे जरूर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ट्विटर पे क्या है कि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, बाकी टेलीग्राम बाकी इन सबों पर क्या है कि इतने मैसेज आ जाते हैं कि आपका जो मैसेज है वो नीचे चला जाता है, ट्विटर पर ज़्यादा लोग नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत आपकी सीरियस कंसर्न है तो आप एक बार को ट्विटर पर ज़रूर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, उसका भी लिंक जो है नीचे दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं लास्ट डेट भरने की। तो आज 24 तारीख लास्ट डेट थी आपकी कि आप 24 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं सीजीएल का, बढ़ा दिया गया 27 तारीख लास्ट डेट है भरने की आपकी। और कट ऑफ डेट यानी कि जो क्रूशियल डेट है वो 27 अब कंसीडर करा जाएगा, यानी 27 से पहले आपके सर्टिफिकेट बने होने चाहिए। अभी बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं कि क्या हम अपना कास्ट जो है चेंज कर दें, करेक्शन विंडो 10 और 11 को है तो सर्टिफिकेट का कहीं, बहुत सारे बने हुए हैं कन्फ्यूज़न। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अभी टाइम है, अगर आपका बन जा रहा है तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए। बाकी एक बार मैं फिर से EWS के लिए बोल देता हूँ कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 और वैलिड ईयर 24-25 का बन जा रहा है कोई इशू नहीं है। OBC वालों, सेंट्रल वाला अगर आपका कट ऑफ डेट के बाद भी बन जा रहा है कोई इशू नहीं है, पहले का सर्टिफिकेट भी रखे रहिए, स्टेट वाले भी रखे रहिए, और जो नया बनेगा इनको एक साथ प्रोड्यूस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट को लेकर। देखिए अभी फॉर्म भरा जा रहा है, आप पीडब्ल्यूडी के अंदर जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप OH है, चाहे आप HH है, चाहे आप VH है, आपको अभी उस कैटेगरी का फॉर्म, मतलब आपको उसके थ्रू अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी सेलेक्ट करनी है, राइट, और आप फॉर्म भर देंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, राइट, DV के समय, उस समय आपके सर्टिफिकेट की जाँच की जाती है। और आपको बता दूं कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे, अगर आप HS से हैं या फिर OH से हैं या फिर VS से, आपको उसी की सीट दी जाती है। स्टेट एलोकेशन में मैं बता दूं, मैं आपको कि पहले ये रूल था कि जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हुआ करते थे उनको प्रेफरेंस दी जाती थी कि स्टेट, लेकिन अभी क्या है कि जो आपका स्टेट जहाँ पर भी होगा वैकेंसी चार्ट में, जब आपका अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका वैकेंसी का, राइट, कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें हैं किस किस मिनिस्ट्री के अंदर, और उसमें कैटेगरी वाइज यानी कि PWD का भी रहता है आपका, लास्ट कॉलम में आप जाएंगे तो देख लेंगे वहाँ पर। तो आप क्या जिस स्टेट में, स्टेट के लिए हम RTI लगाएंगे स्टेट वाइज वैकेंसी पता करने के लिए, तो आपको जिस स्टेट में आपकी सीट रहेगी वहीं पर आपका एलोकेशन दिया जाएगा। तो अभी आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म में, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर जो भी सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है आप उसको प्रोड्यूस करिएगा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ डेट की बात, अगर आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं है, राइट, तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ डेट पहले 24 तारीख था, राइट, लेकिन अब डेट बढ़ गई है आपके 27, यानी 27 से पहले आपका सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी का बना होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी का जो फॉर्मेट है आपका, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें लास्ट में आपको मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्मेट चल जाएगा आपका, राइट। अगर आपका जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो लगभग मिलता जुलता है अगर सेंट्रल वाला जो फॉर्मेट है वैसा ही, तो नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल डिफरेंट ही है तो आप उसको डाउनलोड करके आपका जो ओल्ड सर्टिफिकेट है, राइट, पुराना वाला सर्टिफिकेट आपका पीडब्ल्यूडी का जो बना हुआ है उसके आधार पे आप नया वाला जो SSC का फॉर्मेट है उस पर बनवा लीजिए। डेट का आप चिंता ना करिएगा, राइट, ये कट ऑफ डेट मेरी बाद में बननी, मेरे अगस्त बनेगी, या हो सकता है कि ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग कर रहे हैं कट ऑफ डेट का इशू नहीं फंसेगा आपका।
अगर आपका हिंदी और इंग्लिश इसके अलावा कोई और भाषा में है, जैसे कई लोगों का गुजराती में है, या फिर अगर आपका रीजनल लैंग्वेज है उड़िया में बना हुआ है, तो वो नहीं चलेगा। ये सिर्फ दो ही लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है SSC, हिंदी और इंग्लिश। तो अगर कोई अदर लैंग्वेज का है तो आप उसको कन्वर्ट करके आप इंग्लिश वाला या हिंदी वाला फॉर्मेट डाउनलोड करके उसी के आधार पर CMO ऑफिस से बनवा लीजिएगा। PWD की छूट की बात करें तो आपकी जो डिसेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे जिस भी कैटेगरी में आप हैं, आपका जो 40% है या 40% या 40% से ज़्यादा आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी जा करके आपको उसकी छूट मिल पाएगी। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार अपना सर्टिफिकेट में डिसेबिलिटी ज़रूर देख लीजिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस जब मैं कवर करता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि CGL का जब Tier 2 का एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद से पोस्ट प्रेफरेंस, ज्वाइनिंग, स्टेट वाइज वैकेंसी, ये सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ। पोस्ट प्रेफरेंस का जो एक मेरा पूरा एक सीरीज चलता है, उसमें कई सारे कैंडिडेट से बात हुई, उसमें ये डाउट रहता है कि सर मेरी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से कम है, क्योंकि जो छूट मिलती है PWD में वो 40% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे किसी की मान लीजिए हल्की सी उंगली मुड़ी हुई है, फिंगर्स मुड़ा हुआ है, या फिर मान लेते हैं आँखों में हल्का सा कोई प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, राइट। तो ये रहता है आपका कि विज़न भी मेरा ऐसा 40 से कम ही का है डिसेबिलिटी के अंदर, तो क्या उस केस में भी मुझे कास्ट ये PWD का देना ज़रूरत है क्या, मतलब ज़रूरत पड़ेगी क्या मुझे देने के लिए। और अगला चीज़ कि क्या मेरा लोकेशन किस हिसाब से होगा। तो अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है, CMO ऑफिस अगर आपका बनाए कि नहीं आप 40% से कम के अंदर लाई करते हैं, तो आपका अलोकेशन आप ट्रीट करे जाओगे एज ए UR, राइट। हाँ, ये ज़रूर देख लीजिएगा कि टाइपिंग में, बैठने में, या कोई ऑफिस का वर्क करने में आपको कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर वैसे डिसेबिलिटी 40 से कम है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो आपके ये सवाल रहते हैं कि मेरे फिंगर्स मुड़ा हुआ है, या कोई बॉडी या कोई ऐसा पार्ट जो हल्का फुल्का डिफेक्ट है, राइट, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती SSC के इस ज्वाइनिंग में। कोई भी मिनिस्ट्री आप ऑप्ट कर लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और 40 से कम में आपको कोई भी अलग से सेपरेट सर्टिफिकेट PWD का देने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं स्क्राइब। देखो, स्क्राइब क्या होता है कि जो लोग PWD से बिलोंग करते हैं, वो एग्ज़ाम देने के लिए अपने साथ एक पर्सन ले जा सकते हैं, और वो जो पर्सन होता है उसको स्क्राइब कहते हैं हम। तो अब स्क्राइब के लिए क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो लोग PWD से बिलोंग करते हैं सभी लोग स्क्राइब ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो PWD के लिए जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी रहती है, जैसे कि मान लीजिए कोई ब्लाइंड कैंडिडेट है, राइट, या जिसके बोथ आर्म्स डिफेक्टेड है, दोनों हाथ नहीं है आपके, राइट, या फिर जो माउस वगैरह हिला नहीं सकता, मान लीजिए किसी चारों पांचों फिंगर्स नहीं है दोनों हाथों के, राइट, तो उसके लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है, राइट। स्क्राइब के लिए एक फॉर्मेट है, आप जाके लास्ट में देखिएगा नोटिफिकेशन में। तो सभी लोग लेके नहीं जा सकते, जो लोग पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं वही अलाउ होते हैं। डॉक्टर उसका बना के देता है फॉर्मेट, और तब जा करके आप किसी पर्सन को लेके जाते हो अपने साथ जो आपके बिहाफ पर एग्ज़ाम्स देता है आपका। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो डिसेबिलिटी वाला है आपका, सभी लोग डिसेबल लोग स्क्राइब नहीं ले सकते, केवल बेंचमार्क डिसेबिलिटी रहती है वही अलाउ है। एक सवाल ये रहता है कि जो 40% से कम है और वो भी दिक्कत है, मान लीजिए सपोज करें किसी के साथ ऐसी दिक्कत है कि 40 से कम है और वो भी एग्ज़ाम नहीं दे सकता, या फिर डिसेबिलिटी के अंदर ऐसा आ रहा है कि वो माउस वगैरह या कीबोर्ड वगैरह यूज़ नहीं कर सकता, ऐसे के लिए भी एक फॉर्मेट आप देखोगे नोटिफिकेशन में लास्ट में दिया हुआ है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे आप उसको लेके जा सकते हो, जब अगर वो डॉक्टर आपको अलाउ करता है तो। इसके अलावा अगर और भी कोई डाउट है आपके, आप एक बार ट्विटर पे मुझे ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। ट्विटर नहीं चला रहे हैं आप, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना बेस्ट से बेस्ट हो पाए मैं आपके लिए मटेरियल लेके आ पाऊँ।